और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आत्मसात कर रहा हूं, आई एम शेयरिंग विथ यू माई एक्सपीरियंसिस अबाउट बंगाल द पास्ट टू डेज व्हाट हैज हैपेंड। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो दिन में घटना घटी है वह बहुत ही बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहाँ लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता रहा, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी की का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनके इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन, देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे, वे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरेक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देर विल बी नो डिबेट, देर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, विच सेड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर
एंड द हेड इज हेल्ड हाई. टुडे द हेड इज डाउन एंड पीपल ऑफ बंगाल आर फुल ऑफ फियर. ये स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है. आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है. ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली. मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं. इससे हम रुकने वाले नहीं है, लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटेलिटी ऑफ ममता जी. उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है. इसको भी हमको समझना चाहिए. आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं. यह उनका आज वक्तव्य आया है. विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को. शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है. और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं. तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं. अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है. ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है. दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर. वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर. हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है. और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई. इट स्पीक्स वॉल्यूम्स. और दुख होता है, बंगाल हम सबका है. बंगाल हमार सोनमार बंगाल. बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे हैं. देश गौरवान्वित करता रहा है. आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है. लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, ये सच में बहुत ही चिंताजनक बात है. और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा. 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. यहां पॉलिटिकल वायलेंस और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है. मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं. वी हैव लॉस्ट 130 बीजेपी वर्कर्स. 100 का तर्पण यानी उनके अंतिम संस्कार में और उसके बाद की पूजा मैंने खुद कलकत्ता में आकर के की है. 100 के परिवार. और ये कोई मैं दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन कैमरा मैंने तर्पण किया है. सारे परिवार के सदस्य वहां उपस्थित थे. सभी परिवारों के लोगों से मैं मिला हूं. जिन हालातों में उनका मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर हुआ, इसको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करने वाली. और बंगाल की जनता को तय करना है कि क्या ऐसी सरकार और ऐसी संस्कृति को यहां पर जगह देना है. जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेफ नहीं है तो कॉमन मैन का क्या हाल होता होगा. व्हाट विल बी द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन. आम आदमी की क्या स्थिति होगी. लॉलेसनेस, अराजकता चरम सीमा पर है. एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले कहा कोलैप्स कर चुका है. हमारे एमएलए देवेंद्रनाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमाणिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है. इन द पास्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए. ऐसी संख्या और श्रृंखला 130 की. ये बंगाल की सभ्यता और राजनीतिक सभ्यता की का सूचक है क्या. ये ममता जी के राजनीतिक कार्य करने का तरीका है क्या.
बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनको विदा करना चाहिए और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनानी चाहिए जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चले। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल में, और टोलाबाजी और सिंडिकेट, और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट, और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। तो इसलिए टोलाबाजी भी हो रही है, कटमनी भी हो रहा है, सिंडिकेट भी हो रहा है, कोयला और बालू पर सिंडिकेट चल रहा है। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कटमनी और पैसे और रिश्वत अंतिम संस्कार पर भी देना पड़ रहा है बंगाल में। दिस इज द सिचुएशन। मेरी बात किसी को लगती हो तो चैलेंज कर देना, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे और घूस और उसके लिए भी ब्राइब चल रहा है, वो हमको समझना चाहिए। ममता जी क्या कहती हैं, 75% BJP 75% TMC को कटमनी दो, 25% अपने आप रख लो और लोगों की छुट्टी कर दो। ये संस्कार है, ये बातचीत। उसी तरीके से अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे न्यारे, अब द्वारे द्वारे, और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है, द्वारे द्वारे घूमो चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है, जमीन आपकी खिसक चुकी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। कोविड का ट्रेजेडी हुई, मोदी जी इज नोन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड मैनेजमेंट एंड ममता इज नोन फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड। कोई मैनेजमेंट नहीं, आपने देखा टेलीविजन पर, आपने दिखाया किस तरीके से हॉस्पिटल्स में डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही थी, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, सेंट्रल टीम को कलकत्ता के हॉस्पिटल में घूमने नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ आपको पता है राशन में चोरी, आपको पता है कि किस तरीके से उस समय अम्फान में भ्रष्टाचार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप CAG से इसका ऑडिट कराओ, और इस ऑडिट के खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गई। एक तो भय कहनो, इतना भय क्यों है आपको, क्यों आपको इतना डर लग रहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राधाकृष्णन कहते हैं गेट इट ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पब्लिक मनी है और 1,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने एडवांस दिया, 1,200 करोड़ रुपए बाद में दिया गया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं, और जो पैसे मिले वो TMC के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में मिले। अब ऐ तो भय कहनो, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है यू आर हैंड इन ग्लव विद कमीशन एंड करप्शन, आप पोषक हैं करप्शन के, आपके द्वारा करप्शन हुआ है और आपके पालन पोषण में करप्शन बढ़ा है, इस कारण से आप सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। नहीं तो आपको कहना चाहिए था दूध का दूध पानी का पानी होगा, और प्रशासन में प्रशासक जो होता है उसको ही शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, ही शुड लुक टू बी ऑनेस्ट। हियर ममता जी लुक्स टू बी डिसऑनेस्ट एंड इज डिसऑनेस्ट, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। दी एक्टिविटीज शो, ये बताती हैं कि किस तरीके का हाल चाल बना करके रखा है। TMC की सरकार, चाल चोर सरकार, त्रिपाल चोर सरकार, राशन चोर सरकार, ये TMC की सरकार के सिनोनिम्स हैं, ये सरकार के पर्यायवाची शब्द हैं। चौल चोर, त्रिपाल चोर, राशन चोर, क्या हाल बना करके रखा है। और पहले क्या कहती थी, माँ माटी मानुष, और आजकल क्या कहती हैं, तानाशाही तुष्टीकरण और टोलाबाजी, ये आज की स्थिति बन गई है। मित्रों, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ऐसी सरकार, मैंने पहले कहा, अभी आपको पता है फार्मर्स के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ लोगों को 2,000 रुपए और 6,000 रुपए साल का 3 किस्त में देने का तय किया। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख किसान बंगाल के इससे वंचित हैं, 70 लाख लोग वंचित हैं, उनको यह पैसा नहीं मिल रहा है। और ममता जी क्या कहती हैं, ये सीधे हमको दो। और मोदी जी और हमारा क्या कहना है
कि यह सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और ममता जी कहती है आमा के दिए दाओ, कटमानी। ये कटमनी का तरीका है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, लगभग 4,67,00,000 पीपल आर deprived ऑफ 5,00,000 हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली, 5,00,000 पर ईयर पर फैमिली। एंड कितने लोग? 4,67,00,000। आज 1,31,00,000 पीपल हैव टेकन द बेनिफिट ऑल इंडिया बाय। 15,500 crores हैव बीन स्पेंट फॉर, खर्च हो चुके हैं गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन बंगाल के गरीब लोग, और कौन आते हैं इसमें? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट, जो घर में काम करती है, जो घर में काम करने वाले हैं, जो चौल में काम करने वाले हैं, ऐसे गरीब लोग जो पल्लेदार हैं, जो अनाज की बोरियां उठाते हैं सब्जी मंडी में, उनके लिए बाय प्रोफेशन है, ये कास्ट से नहीं है, बाय प्रोफेशन 12,74,00,000 परिवार, 55 करोड़ पीपल को ये 5,00,000 रुपए का फैमिली का पर ईयर का बेनिफिट है हेल्थ में गंभीर बीमारियों के लिए, 2,000 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन यहां होबे जरूर होबे मार्च महीने के बाद, मई महीने के बाद होगा, बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद होबे। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अगर मैं बिहार के अभी चुनाव की बात कहूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी चाहे बिहार का चुनाव हुआ, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, चाहे दुबाका का धमाका हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और चाहे मैंने बताया मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, सभी जगह परिवार की पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और यही हाल बंगाल में भी होगा, यहां भी पारिवारिक पार्टी को लोग नमस्ते कहेंगे और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करेंगे। आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है, और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो, श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों, हम हर कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे, और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सलूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से, उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा, वी नो दैट। लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, और उनको मालूम नहीं है ये भारत भूमि, ये बंगाल की भूमि, इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, और यही क्रांतिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से प्रजातंत्र को यहाँ बहाल करेंगे, और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको जो प्रश्न करना है आप कर सकते हैं, प्रश्न आप बंगला में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। नड्डा जी, मेरा नाम मनोज्ञा लोहीवाल है, मैं आज तक इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सवाल ये है, आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है, ममता बनर्जी और उनकी सरकार का ये कहना है कि जब आपके पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस हैं, तो फिर आज बंगाल में आप पर ये हमला कैसा? क्या ये आपकी पार्टी खुद ही उनके शब्दों में नौटंकी बनाने के लिए कर रही है?
ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है. शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. कभी भी CISF, CRPF सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है. उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है. उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है. और स्टेट पुलिस को परश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है. ये मेरा चार्ज है. नाडा जी नमस्ते, मैं रिक्ति KBP आनंदों से आपसे सवाल ये है कि बंगाल की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार से आपका क्या गुजारिश रहेगी? क्या आप उनसे राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे? और दूसरा सवाल आए दिन सुनने में आता है कि तृणमूल के तमाम प्रमुख नेता BJP के संपर्क में है, बहुत से नेता हाल ही में आपको ज्वाइन भी किया है. ऐसे और कितने प्रमुख नेता है जो BJP में शरीक होने वाले हैं? थैंक यू. देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मेरा कमेंट और मेरी अंडरस्टैंडिंग बंगाल के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज फेल्ड, इट हैज क्रम्बल डाउन. लेकिन हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हम प्रजातांत्रिक तरीके से ममता जी को पदच्युत करेंगे थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स. नंबर वन. नंबर टू, आपका क्वेश्चन क्या था? जी सर, तृणमूल के बहुत से तमाम नेता आपके पास. ऐसा है, सच्चाई की जीत होती है, इसलिए सच्चाई के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं. आते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा, हम चलते रहेंगे. नड्डा जी, मैं नीरज पांडे हूँ, ABP न्यूज दिल्ली से. सर, मेरा सवाल यह है कि आज चूंकि हम लोग भी थे, आपके काफिले पे हमला हुआ, पत्थरबाजी, हमारी भी गाड़ी टूटी, क्या इसको लेकर आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस के खिलाफ कोई जांच की मांग करेंगे, कुछ कार्रवाई के लिए कहेंगे या CBI जांच के लिए कहेंगे? देखिए, हमारा मैं व्यक्तिगत रूप में जनता से सीधे जोड़ने वाला आदमी हूँ और पार्टी की दृष्टि से भी जनता से जोड़ता हूँ अपने आप को. प्रशासन को जानकारी देना हमारा काम है, वो हम जरूर देंगे, लेकिन हमको कोई आशा नहीं है यहाँ के प्रशासन से. हम जनता के बीच में ही अपनी आवाज को बुलंद करके हम यशस्वी होंगे. नड्डा जी, मैं आमोद TV9 से. एक प्रश्न, बंगाल में मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूँ और जो TMC की तरफ से आ रहा है बार बार, वो बाहरी और भीतरी को लेकर आ रहा है. वो कह रहे हैं कि BJP वाले बाहरी हैं और यहाँ तो भीतरी दीदी हैं, तो आप लोग इस पॉइंट को कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, और एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, इसकी स्थापना करने का विचार बंगाल से आया. हमारा दायित्व बनता है कि बंगाल को आत्मसात करते हुए उस विचारधारा को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर अपने आप को काम भी करें और उनके बताए रास्ते पर भी चलें. एक बात तो हमको ये बड़े स्पष्ट होनी चाहिए. दूसरा, जो ममता जी का बंगाल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो बंगाल नहीं है. बंगाल वो है जो हम बता रहे हैं, और हमको जो पीड़ा है वो इस बात की है कि बंगाल को गलत लोगों ने हाथ में ले लिया है, इसको सही हाथों में देना ये हमारी जिम्मेवारी है ताकि बंगाल की संस्कृति आगे बढ़ सके. और इसलिए बाहरी और भीतरी नहीं, भीतर के लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करेंगे. हम बाहर के वोट से जीतने वाले नहीं हैं, हमको बंगाल के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमारा विश्वास है. नड्डा जी, जो कथाटा बोलें ना, जो कथाटा उन्हीं लुकिए रख लें, तो हम उन्हीं हैं बांग्लार जामाई, एटाओ एक मने रख. Shreyoshi, I think, from Times Now has a question. Hi, this is Shreyoshi from Times Now. So my question to you is, the BJP has been talking about the citizenship amendment law that has been passed by the parliament. There have been statements being made that by the end of January it will be implemented. Has that been done? Will that be done in Bengal? Because Chief Minister Mamata Banerjee has time and again said that it's the center's prerogative to make the law, but it's the state that will implement it, and we will not allow CAA to be implemented in West Bengal in any way, and she has been protesting against it. So I would want to know, when will CAA be implemented in Bengal and how will it be done? देखिए, पार्लियामेंट के एक्ट से पास हो चुका है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट. अब उसके रूल्स बन रहे हैं, जैसे ही रूल्स बन जाएंगे वो इम्प्लीमेंट होगा, और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ भी होगा. सर, आज के मैं अब्दुल गनी फ्रॉम दिल्ली उर्दू न्यूज़ में,
तृणमूल कांग्रेस। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यह प्रजातंत्र के मूल विचार से भिन्न है, नंबर एक। नंबर दो, यह इनटॉलरेंस की असहिष्णुता की प्रकाष्ठा है। जी न्यूज पूजा, प्लीज प्लीज, जी न्यूज पूजा। सर, पूजा फ्रॉम जी न्यूज। सर, हमने पहले देखा है आपकी पार्टी में नेता जो है एक विषय पर काफी डिवाइडेड है, वो विषय है प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। आज के मौजूदा परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्या आप प्रेसिडेंट्स रूल की मांग करते हैं? देखिए, सेंटिमेंट्स जो हैं वो विचार में कई लोग उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। सेंटिमेंट्स तो ये है कि यहाँ लॉलेसनेस है, सेंटिमेंट्स तो ये है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है, इसलिए लोग कह दें कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक एथोस को हम ध्यान में रखते हैं, विच ममता जी डज नॉट कीप। शोगतो, गुड इवनिंग नड्डा जी, दिस इज शोगतो मुखोपाध्याय फ्रॉम CNN न्यूज 18। सर, जस्ट नीडेड टू नो, व्हेन यू प्लान्ड दिस ट्रिप टू बंगाल दिस टाइम, you've been here, multiple times in the past, but this time around you specifically chose two constituencies, one in Bhavanipur which is Mamata Banerjee's constituency, the other was Diamond Harbour which is Abhishek Banerjee's constituency. Was there a political message that you wanted to give out when you actually visited these two constituencies, and what is your experience besides the violence, what is your experience from these two constituencies? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नंबर वन। नंबर टू, ये दोनों ही कंस्टिट्यूएंसी अराजकता का, असहिष्णुता का और एंटी डेवलपमेंट का उद्गम स्थान है, लॉलेसनेस का उद्गम स्थान है, इसलिए इस जगह पर जाना आवश्यक था, क्योंकि भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान यही है, इनटॉलरेंस का उद्गम स्थान यही है, असहिष्णुता का उद्गम स्थान यही है, भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान यही है, और विकास। आज आपने देखा होगा, पांडे जी आप भी थे, आलोक जी, सब आप लोगों ने देखा होगा डायमंड हार्बर का क्या हाल है। कल आपने भवानीपुर भी देखा, मैं जिन घरों में गया, पानी की व्यवस्था नहीं, टैंकर माफिया वहां दंदना रहे हैं। दिस इज ममता कंस्टिट्यूएंसी, तो उसको फर्स्ट हैंड रीडिंग करना यह हमारा काम है, और इसलिए पर्पजली, बिकॉज दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करप्शन, इनटॉलरेंस, लॉलेसनेस, ये सब चीजों का वो स्थान है, इसलिए हमने इसको चुना। पीटीआई देखिए, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाई कोर्ट, आई विल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट विदाउट गोइंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाई कोर्ट, बट यस, करप्शन को छुपाना ममता की आदत है, करप्शन के साथ चलना ये ममता जी की आदत है, और लॉ को प्रोटेक्ट करना ये कोर्ट की जिम्मेवारी है, और कोर्ट ने बारंबार किया है। अभी हाई कोर्ट ने ही तो कहा था कि अम्फान के फंड्स का ऑडिटिंग करो, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? इट शोज ए तो भय को ना, ये भय है। तो अभी हाई कोर्ट में भी अगर हुआ है सोने के स्मगल को लेकर के, ये सब चीजें इनके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। पीटीआई, सर, दिस इज प्रदीप्त फ्रॉम पीटीआई। सर, आई हैव टू क्वेश्चंस। वन इज रिगार्डिंग द ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट इन दिल्ली, व्हाट यू हैव टू से रिगार्डिंग इट, एंड सेकेंडली देयर हैज बीन क्वेश्चन हैज बीन डूइंग अराउंड इन बंगाल अबाउट हु वुड बी बीजेपी चीफ मिनिस्ट्रियल फेस, सो व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग इट? देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, हमारे लोगों ने किसान आंदोलन के नेताओं के साथ बारंबार बातचीत की है, और हम सब लोग डायलॉग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, डायलॉग के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो किसान के दृष्टि से उनके क्वेश्चंस थे, उनका हम लोगों ने बारंबार जवाब दिया है, और उनके उन बातों पर कोई भी उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ अल्टीमेटली द डायलॉग विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, नंबर वन। नंबर टू, आपने बात की यहाँ के चीफ मिनिस्टर के दृष्टि से, ये स्ट्रैटेजी का मामला होता है, ये इंटरनल स्ट्रैटेजी का मामला होता है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू दैट। जी, पिछले कल के जो इंसिडेंट हुआ, आज आपका कॉन्वॉय में जो
अटैक हुए थे इसके ऊपर गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाए थे मीट करने के लिए, मगर दोनों ने उनके साथ मीट नहीं किया। अब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऑल पैरामीटर्स शो दैट ऑल पैरामीटर्स शो दोनों ने मीट किया है। ये राज्यपाल भी बार बार इसको इंटरवेन कर रहे हैं, मगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। देखिए, ऑल पैरामीटर्स शो दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन बाय द चीफ मिनिस्टर। देयर इज अ डिसरिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, ये स्पष्ट दिखता है। इसलिए एनार्की है और एनार्किस्ट अप्रोच से ममता जी चली हुई, और इसका विरोध करना ये हमारी जिम्मेवारी है, और जनता के बीच में इसको उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हम बखूबी करेंगे। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम हिमांशु रिपब्लिक। आपके साथ भी हुआ जी, उनकी भी गाड़ियां टूटी हैं। तो आप समस्या ये कि आपने ये भी कहा कि 200 प्लस का बीजेपी लक्ष्य लेकर आप अगले कई महीनों तक जब तक इलेक्शन नहीं होंगे आप और गृह मंत्री तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। गृह मंत्री ने अभी रिपोर्ट भी मांगी है चीफ सेक्रेटरी से, तमाम लोगों से बार बार रिपोर्ट मांगते हैं, राज्यपाल भी रिपोर्ट मांगते हैं, होता कुछ नहीं। तो अब नजर आया प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जिस तरीके का भय का वातावरण ममता जी ने बनाया था, उस भय को तोड़ते हुए आज लोग डायमंड हार्बर में भी जिस तरीके का उन्होंने हमारा स्वागत किया है, वह इस बात को बताता है कि लोगों ने उनको नमस्कार कहना तय कर लिया है और उनका तिरस्कार तय। सर, उज्जवल राय फ्रॉम ANI। सर, लगातार एक सवाल किया जाता है ममता बनर्जी की ओर से सीएम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CBI को यूज करती है और जो सेंट्रल टीम है उसके माध्यम से पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि लोग डर से पार्टी छोड़ के बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहाने लगाना ममता जी से सीखे कोई, सच्चाई से दूर रहना ममता जी से सीखे कोई। सच अच्छा नहीं लगेगा कि झूठ बोलना, लेकिन सच्चाई से परे रहना, दूर रहना, ये ममता जी के पर्सनैलिटी का इनबिल्ट इंग्रीडियंट है, तो उस पर जवाब क्या दिया जाए? আমি অনেক অনেকের আরো প্রশ্ন আছে, কিন্তু নাড্ডাজির আজকে অনেক ব্যস্ত শিডিউল আছে, তাছাড়া তুমি একটা লাস্ট প্রশ্ন করে ছেড়ে দিচ্ছি, অনেকক্ষণ তুলে আছে। We are a political party. It is our responsibility to educate the people and fight out. And ये तो ममता है, हमने तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़के जंग जीती है, तो हमको तो democratic तरीके से लड़ना आता है। और जो लोग कहते हैं कि शासन हमारा है, उनके हाथ से शासन छीनना भी जनता को आता है। অনেক ধন্যবাদ নাড্ডাজিকে, আজকে অনেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বললেন এই পরিস্থিতির মাঝখানেই। আর আশা করছি সামনের দিনে উনি আবার আসবেন অনেকবার, তখন আপনাদের সঙ্গে আবার ওনার দেখা হবে। এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনারা আজকে এই ধরনের প্রোগ্রাম চেঞ্জের সত্ত্বেও সবাই মিলে আসতে পেরেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। तो जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर करारा वार है। आज तक के सवाल के जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को प्रशासन का आइडिया जीरो है और हमलावरों को रोकना पुलिस का काम है, बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और पुलिस को प्रश्रय ममता सरकार दे रही है। ये बड़े आरोप जेपी नड्डा ने लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से ममता को हटाएंगे, बंगाल के प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, जेपी नड्डा बोले। और साथ ही ये भी कहा
कि चाहे कितने भी हमले हों, अब बंगाल के लोगों के बीच जाकर हम जनता से लोकतांत्रिक तरीके से इस व्यवस्था को बदलने की अपील करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, सीएम उम्मीदवार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाम तय होगा और आपको बताया जाएगा। लेकिन आज तक के सवाल के जवाब में बड़ा हमला जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, जो ये कह रही थी कि नौटंकी है बीजेपी के अध्यक्ष पर जो हमला हुआ आज, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को प्रशासन का आइडिया जीरो है। और टीएमसी के सांसद स्वागत रॉय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। स्वागत जी, उम्मीद है आपने सुना जेपी नड्डा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय कर रहे हैं बंगाल में आज के पूरे घटनाक्रम के बाद, क्या कहिएगा उस पर? मैं नहीं जानता हूं कि जेपी नड्डा क्या बोले हैं, अब बताइए। जेपी नड्डा ने कहा कि एक, ममता बनर्जी को एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया जीरो है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को ममता सरकार बचाती है, प्रश्रय देती है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बातें आज हम पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने कही हैं, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। मैं तो ये मानने वाला नहीं हूं, ममता बनर्जी से ही बात हो रहा। जेपी नड्डा गया डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी के कॉन्फ्रेंस में, उनको थोड़ा प्रॉब्लम में दिया, ये लोग पसंद नहीं किया। उनका कॉन्वॉय 100 किलोमीटर स्पीड में जा रहा था, उसे 2-3 ऑटो को भी धक्का लगा तो कुछ पथराव हुआ। मैं नहीं जानता हूँ कौन पथराव किया, हम ये समर्थन नहीं करते हैं, पुलिस इंतजाम करेगा। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी कोशिश किया कल और आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्टर्ब करने का, इसको मैं पूरा निंदा करता हूँ। मुझे यही कहना है कि मैं खुश हूं कि कोई घायल तो नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं लगा, कोई गाड़ी का नुकसान हुआ तो ये भी नहीं होने से अच्छा था। लेकिन हम बंगाली कल्चर है, हम अगर किसी को लगता तो हम दुख प्रकट करते। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि जेपी नड्डा जी जो बोले हैं सही नहीं बोला है। और ये बीजेपी पहले से जानते थे कि झमेला हो सकता है, क्योंकि दिलीप घोष सुबह से बोल रहा है उन पर हमला होगा। तो कौन जानता कि दिलीप घोष ही ऑर्गेनाइज किया कि नहीं पथराव वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत रॉय आज तक से बात करने के लिए। स्वागत रॉय टीएमसी के नेता, वो कह रहे हैं कि कौन जानता है, बीजेपी ने खुद ही ये सब ऑर्गेनाइज किया हो। लेकिन जेपी नड्डा का बड़ा हमला, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में, और आज उनके काफिले पर पथराव के बाद जेपी नड्डा सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं ममता बनर्जी को। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जेपी नड्डा की बड़ी बातें। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी की का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ, और जिस तरीके से इनके इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन, देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं?
और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।